वही माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल विद एन अनदर इंटरेस्टिंग ब्लॉग। सो भाई यार, मैं आपको बता दूं कि मैं आया था अपने मामा जी के घर, आपको पता है, बट अभी मैं हूँ अपने दीदी जी के घर में। सो मैं दीदी जी के घर को कल पहुँचा था शाम को, तो मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया आते ही, क्योंकि अभी मैंने सोचा था कि सुबह ही ब्लॉग बनाऊँगा अच्छे तरीके से। सो अभी सुबह हो चुकी है और मैं नहा के पूरा फ्रेश हो चुका हूँ, तो दीदी के जो बच्चे हैं वो गए हैं स्कूल, वरना आपको उनके साथ भी मीट करवा रहा था मैंने। तो यहाँ का मैं मौसम की बात करूँ तो यहाँ पे अभी मैं आपको कैमरा बैक करता हूँ और बताता हूँ किस तरीके का यहाँ पे मौसम हो रखा है। अभी जो मैं भी जूम कर रहा हूँ आपको, ये देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो ट्रैक्टर चला है, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे धान वगैरह लगाए जा रहे हैं, तो धान वगैरह लगा रहे हैं अभी, तो वहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह आया है, ये देखिए आप, तो यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह लगा है और आधे लगा दिए गए हैं और आधे भी बचे हैं लगाने को। सो अभी इनको काम है, मतलब ये जो इस एरिए के जो बंदे हैं यहाँ पे, इनको काम है धान वगैरह लगाने का, तो क्योंकि बारिश हुई है इतनी तेज़ और अभी भी मौसम देखिए कैसा हो रखा है यहाँ पे मौसम। सो अभी चलते हैं गाइज अंदर और करते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह, क्योंकि ब्रेकफास्ट करना है, तो ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद आपको दोबारा मिलते हैं। सो अब हम ऐसे नहीं करते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या बना है क्या नहीं बना है। सो कई ऐसे ब्लॉगर होंगे वो ऐसे करते हैं काम कि ये हो गया वो हो गया दिन का। सो इतना अपना स्टैंडर्ड नहीं है कि हम ऐसे करें काम, जो होगा वो रियलिटी बताएंगे और फेक कुछ नहीं बताऊंगा मैं अपने चैनल पे, जो होगा वो रियलिटी में होगा यहाँ पे। सो मैंने देखा था किसी के ब्लॉग में कि वो बंदा बस खाना हो गया और वो किया खाना डिम का, तो यहाँ पे जो मिलेगा आपको वो कंटेंट बेस्ड चैनल है ये, और कंटेंट बेस्ड ही आपको ब्लॉग मिलेगा, बेशक महीने भर ब्लॉग नहीं आएगा बट मिलेगा आपको कंटेंट बेस्ड ब्लॉग यहाँ पे। और जो हेटर हैं हेट करो, खुले दिल से हेट करो, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे कोई हेटर हो, और अभी मेरे को पता लग रहा है कि कौन मेरे हेटर हैं। जो हेटर हैं वो खुले दिल से हेट करो। सो अभी खाने वगैरह खाते हैं, उसके बाद आपको दोबारा मिलते हैं, क्योंकि अभी मैंने जाना है महाकाल की मार्केट की तरफ। सो अभी मैं जाऊँगा और महाकाल की मार्केट पर आपको बताऊँगा, बट यहाँ पर बारिश इतनी हो रखी है कि अभी भी बारिश लगी है, तो जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट जाऊँगा मैं, थोड़ा लेट जाऊँगा बेशक, बट जाऊँगा जरूर। तो अभी खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद दोबारा आपको मिलते हैं। गाइजर अभी मौसम सेट, मतलब पूरे तरीके सेट हुआ है, तो मैं आपको कैमरा करके बैक करके बताता हूँ कि किस तरीके का यहाँ पे पानी जो इकट्ठा हो गया है। अभी तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कैसा पानी इकट्ठा हो गया है, बट अभी मैं कैमरा बैक कर रहा हूँ, प्रॉपर आपको व्यू बताता हूँ यहाँ का। देखिए कुछ यहाँ पे इस तरीके का व्यू हो चुका है और पूरा यहाँ देखिए पानी ही पानी है पूरा यहाँ पे। सो अभी यहाँ पे जो ये लोग हैं वो भी ऊर लगाने की तैयारी में है, मतलब धान वगैरह जो लगाते हैं उनको पता होगा ऊर क्या चीज़ होती है। सो अब अपनी दीदी जी के घर से वापस जा रहा हूँ और अभी चलता हूँ मामा जी के घर में, क्योंकि मेरे को घर भी जाना है एक दो दिन के अंदर अंदर, तो जो मेरे को काम थे यहाँ पे वो मैंने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, और घर में भी अभी लगभग आपको ब्लॉग मिलेंगे देखने को। सो मेरी फैमिली भी होगी उन ब्लॉग में, मैंने आपको बताया है, और जो अभी तक माई क्यूट फैमिली वाला ब्लॉग नहीं देखा है वो जल्दी से जाएँ, और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा तो वहाँ पे सर्च करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, न्यू ब्लॉग जो मैंने अपलोड किया वो था स्वीट फैमिली का। सो अभी चलते हैं और मिलते हैं डायरेक्ट आपको महाकाल की मार्केट में। सो गाइस लेट्स गो। पीछे जो मैंने क्लिप बनाई हुई थी रूम में, तो वो मैंने देखी, तो वो जब मैंने क्लिप बनाई थी तो वो अच्छी थी, मतलब उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बट जब मैं उसको एडिटिंग करने बैठा तो वो मतलब डार्क हो गई थी, आई डोंट नो कैसे हुआ वो सभी। तो वो उस क्लिप में मैंने ये बोला था कि जो हेटर हैं वो हेट करते रहो, और हमें अच्छा लगता है कोई हमें हेट भी करता है और कोई लाइक भी करता है, तो हमें अच्छा लगता है इस बात को सुन के। सो अभी मैं जा रहा हूँ महाकाल, मैंने बोला है आपको। सो महाकाल का टेंपल जिसने अभी तक ये देखा नहीं है किस तरीके का महाकाल का टेंपल है, तो वो ब्लॉग भी मैंने डाला हुआ है, तो माई स्वीट फैमिली और जो महाकाल टेंपल का ब्लॉग है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक होंगे, तो वहाँ पर आ जा सकते हो और उन ब्लॉग को जरूर विजिट करने के बाद। सो अभी चलता हूँ मैं और थोड़े सामान वगैरह भी लेने हैं, सो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। मैं हूँ महाकाल की मार्केट में, बट यहाँ जैसे मेरे को आके पता लगा है कि जो यहाँ पे बस थी लास्ट लगभग 3:45 वाली, सो वो बस मिस हो चुकी है मेरे से, क्योंकि अभी लगभग टाइम हो रहा है 3:51, तो 3:51 अभी टाइम हो रहा है, तो अभी मेरे को पैदल जाने पड़ेगा नीचे तक। तो अभी चलता हूँ पैदल, और जो मेरे को काम थे महाकाल की मार्केट में वो मैंने कर ली है,
अगर मैं वो काम नहीं करता तो शायद वो मेरे को बस मिल जाती, क्योंकि मैं दूसरी साइड था जहाँ पे मंदिर है उस गली में था, और बस दूसरी साइड से आती है। तो आपको पता ही होगा जो चढ़ा रोड है वहाँ को जो बस जाती है वो दूसरी साइड से आती है, और जो मैं था वो मैं था चुबिन चौक चुबिन रोड साइड। सो अभी मैं जा रहा हूँ और चलते हैं अभी धीरे धीरे पैदल, क्योंकि सफ़र बहुत दूर का है अभी तक। मैंने कहा अभी पहुँच चुका हूँ मैं घर में, और अभी चलते हैं अंदर। अभी पहुँच चुका हूँ घर में और महाकाल से लेके यहाँ तक पैदल आना पड़ा क्योंकि बसेज नहीं थी। आई डोंट नो मतलब जो पपरोला है वहाँ पे एक फ्लाईओवर बन रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे बसें नहीं आ, बसें दूसरे रूट से जा रही हैं। सो मेरे को भी अभी यहाँ पे ये बंदा उसने बताया कि बसें वगैरह नहीं आ रहे हैं। सो जो हेटर हैं वो हेट करते रहो, सो और जिनको ये जो ब्लॉग बना रहे हैं वो बनाते रहो, जो ये खाना खा रहे हैं वो प्लाना डिम का चला हुआ है तो वो ब्लॉग बनाओ। और एक बात बोल दूँ कि कंपटीशन आपको यहीं पे ही है, तो यहाँ पे ही बीट करना मेरे को कंपटीशन में। सो करते हैं गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे ही एंड, और आई होप आपने ये ब्लॉग इंजॉय किया होगा। और जो हेटर हैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जो हेटर हैं वो हेट करते रहो, कंटिन्यूस रखो अपने हेट करना। सो गाइस मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, और अगला ब्लॉग जो इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वेट करना अगले ब्लॉग का। सो अभी करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, आई होप आपने ब्लॉग इंजॉय किया हो। जिन्होंने तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, रेड कलर का बटन जल्दी से ग्रे करो, और मिलते हैं इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए बाय बाय और हैव ए गुड डे।